हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एच डी ग्लोबल बायोटेक। सो दोस्तों, आजकल मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक ही चीज़ पूछा जाता है, सर आपने जो सीमेंट टैंक का जो लीचिंग के बारे में बताया था, ठीक है, एसिड लीचिंग, कोई कोई बोल रहा है एपॉक्सी पेंट से भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक कंसेप्ट की बात है, जब हम सीमेंट टैंक के लीचिंग बोल रहे हो, शोधन बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आप म्यूरियाटिक एसिड डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो एल्कलिनिटी रिएक्शंस होते हैं सीमेंट के, ठीक है, उसको हम ख़त्म करते हैं जनरली। इसलिए पानी भरने के बाद वो एल्कलाइन डेथ पॉइंट आने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए मछली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम सीमेंट टैंक का जो एक्चुअली जो सीमेंट का बॉडी है उसका लीच कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम शोधन कर रहे हैं। एपोक्सी पेंट क्या होता है दोस्तों, ये लीचिंग नहीं होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, एक दूसरा एक जुगाड़ आप बोल सकते हो, ठीक है। आप एपोक्सी पेंट मार के करो, या आप कोई भी HDPE तार या तारपुलिन या लो जी एस एम पॉलीथीन ये मार के करो, आप एक आर्टिफिशियल सरफेस प्रोवाइड कर रहे हो जो भी, ठीक है, तो एक थोड़ा स्मूथनेस देने के लिए भी वो काम में आ जाता है, और सीमेंट का जो भी रिएक्शन या एल्कनिटी जो भी केमिकल्स टाइप का जो भी होता है वो पानी पे ना आए, ठीक है। तो ये दो चीज़ सेम नहीं है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सपोज आपको बताया गया है कि भाई ये जो टाइगर है, एक सर्कस का एक टाइगर है, ठीक है, उसको आप ट्रेन करो, ठीक है। ट्रेन करना मतलब उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसको आपको चेंज करना है, ठीक है, उसको खतरनाक से एकदम पूरा एकदम शांत बनाना है। और आप अगर उस पे, ठीक है, पिंजरे पे डाल के बोलते हो कि भाई मेरा काम हो गया, अभी तो पिंजरे में बंद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब पिंजरा किसी भी कारण में खुल जाएगा तब क्या प्रॉब्लम होगा, तो वही होता है, ठीक है। तो एपोक्सी पेंट ये लीचिंग नहीं होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं जो लोग एक्चुअली रियल कल्चर करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो पपड़ी होता है पेट का, वो निकल जाने का डर रहता है, पपड़ी निकल जाने के चक्कर में फिर वो सेम प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरी बात होता है कि जब भी आप एक प्रोडक्शन लेते हो, आप जो भी आपके टैंक के जितने भी गंदगी होता है जो सरफेस पे होता है, जब आप उसको रगड़ के निकालते हो फिर भी आप वो पेंट उठ जाता है। तो मतलब एपोक्सी पेंट का क्या होता है कि आपको जितने प्रोडक्शन लेते हो उतना बारी ऑलमोस्ट या साल में एक बार या साल में दो बार आपको एक ना एक लेयर मारना पड़ता है, हर टाइम पे एक पेंट का लेयर मारना पड़ता है। उससे बेटर है आप सीमेंट टैंक का ही लीचिंग कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आप सीमेंट जो टैंक यूज़ कर रहे हो 4 से 5 साल या 6 साल के बाद उसमें जो पोर है, जो होल है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको उसको पूरा निकाल के फिर उसका रिपेयर करना है, ठीक है। फिर इसको जो भी आपको जो सैंड पेपर वगैरह जिससे आपको स्मूथ करना है वो आप करो, बट लीचिंग और एपोक्सी पेंट दे के उसको सब्स्टिट्यूट बनाना दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दूसरा जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलके एक पर्टिकुलर बंदे, ठीक है, विज्ञान वाला जो कलकत्ता वाला है, उसको हम लोगों ने बोला था कि भाई आपको जो करना है जो बोलना है बोलो, बट आप अपना लैंग्वेज पे ध्यान दो। ये बंदा क्या कर रहा है, आके बोल रहा है, उसको सब गालियाँ दे रहा है, ठीक है, और वो इमोशनल होके, ठीक है, खुद को विक्टिम बता के अनाप शनाप बकना चालू किया, ठीक है। तो इस टाइप के बंदे खुद को बोलते हैं रिसर्चर, और उन्होंने बाकायदा मेरा एक वीडियो जो मैंने साइनोबैक्टीरिया के ऊपर बनाया था उस पर वो बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया से बंदा कल्चर कर रहा है, एरिएशन में टर्बुलेंट क्रिएट होता है, साइनोबैक्टीरिया जिंदा नहीं होता है, ठीक है। बट बंदे ने ये नहीं बताया कि भाई इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है, और मेरे जो कल्चर है वो एक टाइप का नेचुरल पॉन्ड कल्चर है, कोई बायोफ्लॉक कल्चर नहीं है, उसमें कोई एरिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये बंदा इतना झूठ बोलता है, चलो आपको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुको। हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एचडी गार्डन एंड टिप्स।
दोस्तों आज हम कुछ एक लाइव फॉर्म आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली जो वाटर बॉडी है, इसको मैं 4 से 5 महीने से इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, वो जो पोल तक का जो एरिया है, इधर और कुछ टैंक बैठेगा, ठीक है, 4-5 और टैंक बैठेगा इधर। तो इसका जो पर्टिकुलरली जो है ना, ये जो आपको जो तालाब दिख रहा है, ठीक है, इस पे थोड़ा लो डेंसिटी मछली है, ठीक है। लो डेंसिटी इन द सेंस, अगर आप देखते हो, ये काफी बड़ा तालाब है, और इसमें जो हमने बैक्टीरिया जो एक्टिवेट करके रखा है, ठीक है, ये आपके नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। और इस तालाब से जो पानी है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये जो जरबेरा का प्लांट है अंदर, जो पॉली हाउस है, उस पे जाता है, ठीक है। और दूसरी बात जो अगर है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें मछली है जो है ना, इसमें इसमें कैटलुक मछली है, और कॉम्बिनेशन के साथ इसमें तेलापिया मछली है, ठीक है। इसमें क्लोज टू मुझे जितना याद है, हम लोग 4.5 महीने पहले हम लोग इसको कितना क्लोज टू 5,000 मछली डाला था, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी मछली डालूंगा तो इसमें अमोनिया का प्रॉब्लम होगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ना, इसमें एरिएशन हम नहीं दे रहे अभी फिलहाल। इसके इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम साइनोबैक्टीरिया दे रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आप देख रहे हो ना, आसमान पूरा खाली है, इसमें धूप आ रहा है, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक्टिवेटेड है, जो नेचुरल प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस करता है और इसमें ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कभी भी 5 के ऊपर रहता है, पीएच बहुत अच्छे से मेंटेन है, हाई लो डेंसिटी के कारण, ठीक है। इसका जो सैलिनिटी है, ये 2 PPT के अंदर है, तो चीजें जो पैरामीटर से काफी मेंटेन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक है। बंदा इतना स्मार्ट है, उसने साइनोबैक्टीरिया पार्ट उठा लिया, उसने नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नहीं दिखाया, बताया नहीं, ठीक है दोस्त। आपको इतना पता नहीं है, वर्ल्ड में, इंडिया में आप जितने भी तालाब देख लो, ठीक है, उसमें नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसमें कोई एडिएशन हमने दिया नहीं है, ना आज के दिन पे भी दिया है। मेरे फार्म पे जो विजिट करते हैं वो देख के जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप झूठ बोलते हो, और आपके नेचर के हिसाब से सिलेक्टिव चीज उठा लेते हो, ठीक है। और आप इसे दिखाते हो कि बाप रे, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है दोस्त, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और आपने क्या बताया था, वो खुद को माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, आई एम ए BSc एंड MSc ग्रेजुएट फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, आई एम 2006 बैच, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ओके। मैंने 8 साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे कंपनी के साथ काम किया, अभी एक और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, US बेस्ड। तो और एज अ फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, अगर हम एक रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं ना, तो इंडिया में बहुत सारे जो ड्रग है ना, इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, वो बैंड हो जाता है, पूरा बैन, ठीक है। USFDA, EMEA, हेल्थ कनाडा, इनके साथ हम लोगों का टाई अप रहता है। तो इतना देख के लग तो नहीं रहा है कि मैं झोला छाप हूँ, बट आप जिस टाइप के झूठ बोलते हो, सिलेक्टिव झूठ, वो तो देख के लगता है कि आप सच में अभी से अभी सरक छाप बन चुके हो, ठीक है। मुझे लगा था कि भाई आपको मैं बताऊं कि आप गलत शब्द का चयन मत करो, बट आप सुधरने वालों में है नहीं, ठीक है। ये एक चीज है, अभी मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ ये भी प्रूफ कर दिया, और आपने जो वीडियो में बताया था वो आधा अधूरा सच था, उसको भी मैंने प्रूफ कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटल फेस है, लो डेंसिटी फेस है, उसमें नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, इसमें एरिएशन नहीं है, साइनोबैक्टीरिया ऐड किया है डिजॉल्व ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, सारी चीज मैंने आपको प्रूव कर दिया। आपने सिर्फ साइनोबैक्टीरिया पकड़ा और बाकी कुछ भी चीज नहीं बताया, वो भी लो डेंसिटी है, ये भी आपने नहीं बताया, ठीक है। सो सरक्षा, तो यही आप में डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी मैंने तो अपना दोनों जस्टिफिकेशन दे दिया, मैंने डिग्री भी जस्टिफिकेशन दे दिया, मैंने अपना वीडियो भी दे दिया जिसको आपने कोट किया था कल, या जो भी, जब भी मैंने पब्लिश करूंगा उससे जो भी दिन पहले। तो नाउ आप अभी अपने आप को बोलते हो रिसर्चर, अभी आप प्रूव करो आप किस टाइप के रिसर्चर हो, ठीक है।
एक साल पहले आप एक्वेरियम लेके आप दुकान खोले थे, ठीक है, इमिडिएटली आप ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, ठीक है। आपका जहाँ पे रेस्टोरेंट था ना, उसके बगल वाला ग्राउंड में मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपका रेस्टोरेंट तोड़ के एक टैंक बना के आप रिसर्चर बन गए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने रिसर्च किया भाई, कितने थीसिस लिखा, कौन सा पीएचडी किया आपने, ठीक है। लोगों को उल्लू मत बनाओ, ठीक है। बहुत शुद्ध हिंदी बोलने से कोई रिसर्चर नहीं बन जाता है, ठीक है। और जो रिसर्चर बनते हैं और दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, इतना तो आपको पता ही होगा। एक बंदा है, वो अपने डॉटर को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई, वो तो अपने डॉटर को बैकअप कर रहा है, वो तो ना अपने डॉटर को अकेला नहीं छोड़ दिया है। अब उस भाई को भी आप कोट करते हो तो आपको शर्म नहीं आता है क्या? अगर पापा बैठा है और अपने लड़कियों को बैकअप देता है ट्रेनिंग सिखाने के लिए, तो आपको उसको अच्छा मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लड़की को छोड़ दिया पूरा, आप ट्रेनिंग दो और मैं घूमने चला गया। नहीं, हम लोगों भी वो चैनल देखते हैं। जब भी बंदी ट्रेनिंग देते हैं, उसका पापा साथ में बैठे रहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी गलत बात नहीं है, वो एकदम सही बात है। और दूसरी बात है, आपने क्या कोट किया था, उसको बायोफ्लॉग सीखने में 1 साल लग गया, आपने मेरे बारे में कोट किया था। दो दोस्त, ये नेचुरल है, इंसान को इतना टाइम लगना ही चाहिए बायोफ्लॉग सीखने में। एक्वेरियम लेकर और अपने रेस्टोरेंट बंद करके बायोफ्लॉग नहीं सीखा जाता है। 1 साल कल्चर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल है, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना वो सीख के कल्चर करके उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आप कभी कभी जेपी सिंह को भी पकड़ लेते हो, ठीक है। क्यों, उसके आप 1% भी नहीं हो। वो बंदा जितना हार्ड वर्क करता है, ठीक है, अपने फोन पे दिन रात पड़ा रहता है और रियल कल्चर करके फिर वो डेटा शेयर करता है लोगों से, ठीक है। जब टैंक के सामने आके बोल बच्चन देके कोई रिसर्चर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ लो, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो कि आप कुछ भी सरक्षा जैसे हाल करोगे और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। काउंटर पॉइंट होगा, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, ओके, इट्स अबाउट द डिग्निटी, इट्स अबाउट द रेस्पेक्ट टूवर्ड्स योर यूट्यूब कम्युनिटी। आपको क्या लगता है कि सब लोग आपको दुश्मन है? नोबडी इज यू नो एनिमी टू यू, बिकॉज योर फैन फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, योर ट्रेनिंग बैच इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। दैट इज द ओनली इंडिकेशन, एंड दैट इज कमिंग थ्रू योर लैंग्वेज, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर एग्रेशन, ओके। सो इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आप पत्थर मारोगे, फिर मैं पत्थर मारूंगा, फिर आप मारोगे, फिर मैं मारूंगा, फिर से दूसरा कोई मारेगा, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। बेटर यू फोकस ऑन योर वर्क एंड पे रेस्पेक्ट टू अदर यूट्यूब कम्युनिटी, एंड डेफिनेटली विल गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स।